नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज अपने एक पेशेंट के बारे में बताऊंगा कि उसने कितनी बड़ी अज्ञानता की है और अपने लिंग के साथ इतनी खिलवाड़ किया है जिसके कारण उसके सेक्स जीवन पर बहुत फर्क पड़ रहा है। और एक वही लड़का नहीं है, बहुत से लड़के आज के समय इसी अज्ञानता के कारण अपने सेक्स जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही नॉलेज देने वाली है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर सचिन तुम्बाल और इतनी बेस्ट वीडियो आपके लिए लाया हूं, तो मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बेल आइकन का बटन है वो जरूर दबा दीजिए, जिससे जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं उसने अज्ञानता की है। पहले समझते हैं कि जब मेरे पास लड़का आया तो उसने क्या कंप्लेन की। उसने कंप्लेन की कि जो मेरा लिंग है और उसका जो आगे का पार्ट है उस पर दाने निकल आए और उन दानों में पानी निकल रहा है और उसमें बहुत ही पेन हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है। तो फिर उसने बताया कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। उसने कहा, सर जब मैं सुबह के समय जब मेरे लिंग में तनाव आता था तो मैं क्या करता था, जो लिंग का आगे का पार्ट है इसको अंडरवियर से रगड़ता था, या जब मैं कोई पोर्न मूवी देख रहा हूं, या कभी भी जब भी मेरे लिंग में तनाव आता था तो मैं क्या करता था, जो लिंग का आगे का पार्ट है उसको अंडरवियर से रगड़ लगवाता था और मुझे अच्छा लगता था। लेकिन मुझे क्या हुआ, धीरे धीरे वहां पर दाने स्टार्ट हो गए। तब तो मेरे समझ में नहीं आया कि दाने क्यों हो रहे हैं, लेकिन मैं तब भी अंडरवियर से पेनिस को, लिंग को, आगे का पार्ट था जो, उसको रगड़ लगवा रहा था। तो धीरे धीरे मेरे दाने बढ़ते रहे और इन दानों में पानी सा निकलने लगा और पानी निकलने के बाद इनमें दर्द हुआ और खुजली स्टार्ट हो गई। तो कारण क्या रहा, कारण ये रहा है कि जो लिंग का आगे का पार्ट होता है जब आप इसको अंडरवियर से रगड़ लगाओगे तो जो उसकी स्किन है वो तो पीछे खिसक जाएगी, और जो ये आगे का पार्ट है बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है लिंग का, इसको हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं इंग्लिश में, इतना सॉफ्ट होता है कि बहुत ही स्किन जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। यदि आप किसी भी कपड़े से इसको रगड़ लगाएंगे तो ये छिल जाएगी, स्टार्टिंग में छिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ दाने बन जाएंगे और फिर यहाँ पर खुजली या पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये गलती उसी लड़के ने नहीं की, बहुत लड़के आज के समय गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि इसका कितना साइड इफेक्ट होगा। तो मैं यही चाहूंगा, कभी भी यदि आपका लिंग में तनाव आ रहा है उसी सभी कभी भी अपने अंडरवियर के साथ उसको रगड़ ना लगवाए। और एक और बात याद रखे, क्योंकि जो अंडरवियर है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो पुराना होता जाएगा और उसके जो रेसे हैं वे थोड़े बढ़ने चालू हो जाते हैं रेसे, तो रेसे लगेंगे उसके पेनिस पर आगे के पार्ट पे तो वहां पर छिलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके लिंग में तनाव हो, एक तो सबसे पहली बात है जो अंडरवियर है वो टाइट अंडरवियर मत पहने, क्योंकि जब आप टाइट अंडरवियर पहनोगे तो जब लिंग में तनाव होगा उसके बाद यदि आप रगड़ लगवाओगे तो उसका और भी ज्यादा साइड इफेक्ट होगा। इसलिए आप लूज अंडरवियर का इस्तेमाल करें, कोशिश करें अंडरवियर कॉटन का हो, जितने भी बाहर के आ रहे हैं अंडरवियर ये मत, मैं कोशिश करें कि जो अंडरवियर है आपका कॉटन का हो, कॉटन का अंडरवियर आपको पहनना चाहिए और कभी भी अपने लिंग को कभी भी अंडरवियर से रगड़ नहीं लगवानी चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपका आगे का पार्ट है उसमें बहुत ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपको इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। उसको जो लड़का था उसको मैंने दवाई दे दी और वो मुझे लग रहा है 15-20 दिन में वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि वो जो गलती वो कर रहा है या जो गलती उसने की है वो गलती आप ना करें, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ मेरा एक ही इंटेंशन होता है वीडियो बनाने का, जो मैंने चैनल बनाया कि जो मेरे पास नॉलेज है वो नॉलेज मैं आपको दे सकूं। इसी कोशिश को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ डेली आपके लिए वीडियो बनाऊं और इतनी सेक्स नॉलेज दूं, और सेक्स नॉलेज मैं इसलिए देता हूँ, देखिए मैं सेक्स के ऊपर ज्यादा काम क्यों कर रहा हूँ, सेक्स के ऊपर मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप बेवकूफ बनाए जा रहे हो और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना पैसा बर्बाद ना करें और आप बेवकूफ ना बने, जितना आप बेवकूफ बनोगे उतना ही लोग आपसे पैसा खींचेंगे। तो मेरी कोशिश यही है, इसलिए मैं आपको सेक्स एजुकेशन पे ज्यादा आपको फोकस करता हूँ। तब भी कोई बात है या आपको बात समझ में नहीं आती है तो जो मेरे नंबर है ये सीधे नंबर मेरे पास आएगी, मुझसे आप बात कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बात नहीं कर पाता तो जो मेरे असिस्टेंट डॉक्टर हैं वे आपसे बात कर लेंगे। कहने का मतलब आप बात कीजिए और निःशुल्क, सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे आप बात करोगे तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा कि
आप कभी भी बात करके देखिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए तो आपके पास तुरंत रिप्लाई आएगा। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा। कोई भी आपको यदि कोई भी सेक्स जैसी समस्या है, कोई भी जैसे आपके लिंग में तनाव की कमी है, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या शुक्राणु की कमी है, या आप कह सकते हैं लिंग में टेढ़ापन है, तो आप इसके लिए बेहिचक हमसे बात कीजिए, हम आपको परमानेंट सॉल्यूशन आपको बता देंगे। इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो भी बना चुका हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन भी बता चुका हूँ, तो आप ये वो मेडिसिन भी ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके लिए बहुत बेस्ट वीडियो बनाई है और इस वीडियो को शेयर कर देना। शेयर इसलिए बोलता हूँ कि जो ये नॉलेज मैं बांट रहा हूँ तो ये नॉलेज सभी के पास जानी चाहिए, अपने जितने भी दोस्तों के पास, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं सबके पास ही जानी चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज इसलिए बांट रहा हूँ मैं कि सबको सेक्स नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, सबको अवेयरनेस आनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।